कर्मचारियों ने ठेकेदार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें 3 महीने से वेतन नहीं दिया गया, जिससे वो परेशान हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने मंत्री कलेक्टर पर आरोप लगाते हुए कहा कि सभी से वेतन दिलाने की गुहार लगा चुके हैं, मगर मामला ढांक कर 3 पाथ निकल रहा है। परेशान कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्दी वेतन नहीं दिया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। हमारा वेतन नहीं डाला जा रहा है। कितने महीने से नहीं डाला? 3 महीने हो चले। क्यों नहीं डल पा रहा है, इसको लेकर बात की आपने? हाँ, सब दूर बात की है, कलेक्टर साहब से मिले, सिविल सर्जन, आरएमओ, ठेकेदार सब से बात कर लिए, सब लिखित में भी सब हमने कार्रवाई कर दी, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो। और आधिकारिक पास जाते वेतन के लिए तो बोलते हैं तुम मेरे कर्मचारी नहीं हो, तो हम किसके पास जाएंगे? कलेक्टर पास गए, वो भी मिलने से हमको मना कर दिया। महोदय जी के पास गए तो हम बोले मैं 4 दिन में 5 दिन में करवाता। ठेकेदार से बात करी तो वो भी बोले कि हम 4-5 दिन में डलवाता, लिखित में दे दिया कि 8-10 दिन में हो जाएगा, पर अभी तक। आज का दिन मेरी जिंदगी का भी बड़ी खुशी का दिन है। एक संकल्प पूरा हो रहा है, एक सपना साकार हो रहा है। आज हमारे वो भाई और बहन जो वास्तव में थे तो गरीब, और कई तो ऐसे थे जिनका बीपीएल कार्ड भी बना था लेकिन राशन नहीं मिलता था, पात्रता पर्ची उनके पास नहीं थी। मेरे बहनों और भाइयों, मुझे आज बताते हुए खुशी है कि आज ऐसे 37 लाख परिवार जो हमने ढूंढ के निकाले हैं, उनको आज से राशन मिलना प्रारंभ हो जाएगा। आज का दिन आपकी जिंदगी में आनंद और प्रसन्नता भरने वाला दिन है। हमने ये योजना मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना 2008 के बाद प्रारंभ की थी। 2013 में जब मैं तीसरी बार मुख्यमंत्री बना था तब हमने तय किया था कि प्रदेश के सब गरीबों को 1 रुपया किलो गेहूं, 1 रुपया किलो चावल और 1 रुपया किलो नमक खाने दिया जाएगा। कोई गरीब मध्य प्रदेश की धरती पर भूखा नहीं रहेगा। कुछ लोगों ने हमारे निर्णय की आलोचना भी की थी, कहिए तो बांटने का काम है, बांट रहे हो, ये अच्छी चीज नहीं है। लेकिन आज मैं प्रदेश के करोड़ों भाई और बहनों को कहना चाहता हूं, ये बांटने का काम नहीं है, ये उनका अधिकार है, ये उनका हक है। उनका अधिकार और हक हम अपने गरीब बहनों और भाइयों को दे रहे हैं। और ये सपना अकेला मेरा नहीं था, महात्मा गांधी जैसे महापुरुष जो गरीबों की सेवा को भगवान की पूजा मानते थे, डॉक्टर हेडगेवार जी जो कहते थे नर सेवा नारायण सेवा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिन्होंने जनसंघ बनाया था, उनके शब्द मुझे आज तक याद है। वो कहते थे मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति, और वो कैसे मिलेगा तो वो कहते थे मुझे पता नहीं पूजन करने से वो दर्शन देंगे कि नहीं देंगे, आरती उतारने पे वो दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, मंदिर में जाएं तो प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे, ये मैं नहीं जानता। लेकिन मैं जरूर जानता हूं कि अगर दीनों की सेवा कर ली, दुखियों की सेवा कर ली, अरे अगर गरीबों की आंखों के आंसू पहुंच दिए तो गरीबों की उन्हीं आंखों में तुम्हें साक्षात परमात्मा के दर्शन होंगे, साक्षात भगवान दिखाई देगा।